तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुको रुको, फिर से आया। हेलो हेलो जेठा भाई, केम छो? रोशन भाभी, रोशन भाभी एकदम मजा मार। रोशन भाभी अभी आगे की बात दया करेगी, ठीक है? अरे जल्दी बात करो, वहाँ पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो रोशन भाभी, कैसे देवन? मैं तो टड्डन मजे में हूँ, तमे बड़ा लोगों केम छो? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन। हाँ, कौन एक मजे में नहीं है? नहीं नहीं, वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान, इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता ये तो अच्छी बात है ना? ए, अरे वाह दया, तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दया भाभी आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना, ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। बोलिए रोशन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नी बाबा, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी डिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक छे ना? हाँ, हाँ, सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता, वो आपको अजीब भाभी बताएंगे। क्यों क्यों, मैं क्यों, क्या बताऊं? चाली रही छे। अरे अंजलि भाभी, इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी, डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक छे ना? रोशन भाभी, वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। बाहर खेलने गया है, जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी, मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है, वो जेठा भाई और दयाबेन के घर पे है। हाँ हाँ, टेंशन की बात तो है ही नहीं, उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ, खुदाई जी बड्डा नु भलू करे। हा? हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हा? डोंट वरी, आओ जो। हा, हा, खुदाई जी। नहीं नहीं नहीं, साहेब जी साहेब जी, आओ जो। दया भाभी थैंक यू। यू वे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यू आर वेलकम दया भाभी। चलो अभी छोटी का फोन आया, उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। अच्छा मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और दो कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चढ़ाई है। संग्राम सिंह आ रहा हूँ मैं। बापूजी को रोको, वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको, वो तो अभी अब्दुल की दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी, मेरा। तो क्यों छोड़? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो चलो बापूजी, मैं तो सब कुछ कहना चाह रहा है, बोलो मेहता सर। बोल। चाचा जी मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी पे रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्यों, मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाए चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
हाँ बाबूजी, हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया। तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना? इसके लिए आ, क्या बोल रहे हो आप? यही रहे चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापू जी, आप यही रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापू जी। ठीक है ठीक है। अरे वाह बापू जी। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ जल्दी जाओ। हाँ चलो 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 चलो। अंकल आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल ये केरी को केरी क्यों कहते हैं, नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की दो चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। दुनिया में से कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल मैं जोक नहीं बोलूंगा, प्लीज अंकल प्लीज अंकल। बैठ उधर बैठ। नहीं नहीं अंकल अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल प्लीज अंकल अंकल अंकल। वैसे सोनू ये संग्राम सिंह भाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? आंटी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ कुछ लोग कहते हैं वो नाखून घिसकर आग जला सकता है। अरे बाप रे वो इतना खतरनाक है तो तुम लोग गए क्यों वहाँ कैरी तोड़ने? हमें पहले नहीं पता था ना आंटी, जाने के बाद पता चला। मुझे तो जोरदार टेंशन हो रहा। अरे दया भाभी टेंशन मत कीजिए, देखिए कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, हम सब साथ हैं। क्या सही नहीं है? तुमने गोगी की जिम्मेदारी थी, तुमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। तो अभी क्या तू तो मेरा टप्पू के हाथ पे टट्टू बनवाएगा? मेरा बाप गैर जिम्मेदार है। जेठालाल टट्टू नहीं टैटू टैटू। तोड़ू तेरा कंदिल तोड़ू। जेठालाल रहने दो भाई। टट्टू टट्टू टट्टू। जेठालाल तुम अभी विषय बदल रहे हो। अरे बेड़े मास्टर इसमें जेठा भाई की क्या गलती है? ये सब किस्मत का खेल है भाई। हाँ डॉक्टर आते बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आज डाल पे गोगी बैठा है, उसकी जगह टप्पू भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नहीं नहीं कोई भी नहीं मेहता साहब, गोली नहीं हो सकता। क्यों बड़े मास्टर गोली क्यों नहीं हो सकता था? अगर गोली होता तो डाल टूट जाती ना। बड़े मास्टर तुम भी कैसे अरे नहीं, कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था भाई। तो क्या मतलब क्या था तुम्हारा? एक बाप को तुम उसके मुंह पे बिंदास ऐसा बोलना चाहते हो कि उसका बेटा झाड़िया है? बेटे तुमने सबके सामने बोला है डॉक्टर आतिको को गोली होता तो डाल टूट जाती, इसका मतलब क्या उसका वजन ज्यादा है? वजन ज्यादा है मतलब बच्चा के खाता ज्यादा है? अरे गोली का क्या मतलब बेटा रोज खाने को बढ़ता है? मत मानिए मैं नहीं बुरा मानने की बात है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा जल्दी आइए। क्या है लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ये आम खरीद लेते हैं, अगर
पर संग्राम भाई सिंह जी ने अपनी गिरी वापस मांगी तो बदले में हम उनको ये आम दे सकते हैं। हाँ। तो क्या है, माफी मांगने में भी सरलता रहेगी और हिसाब क्लियर। कच्ची केरी के बदले पके हुए आम। अरे आती भाई, ऐसा समझिए ना कि हमने मूल तो चुकाया है, साथ में ब्याज भी चुका दिया। बराबर। भैया ये आम कैसे दिए? 1000 रुपए। ओके भाई। 1000 रुपए नहीं, सभी आम नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1 डजन चाहिए। 1 डजन का ही भाव है साहब। 1 डजन का 1000 रुपया? अरे देवा, अरे हमारे जमाने में 70 रुपए में 4 डजन की पेटी आती थी। बड़े मास्टर, आज भी 70 रुपए में आम की पेटी आती है, लेकिन खाली। अफसोस, उसमें आम नहीं होते। फिर भी हाथी भाई, 1000 रुपए डजन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तुम्हारे एक आम का हुआ 83 रुपए 33 पैसा। है क्या है? चलो भाई चलो। अरे क्या चलो, रुको भाई, दया की बात बराबर है भाई, आइडिया बराबर है दया का, वो केरी के बदले आम। हाँ। टपो, तुम लोगों ने वो संग्राम सिंह की कितनी केरी तोड़ी थी? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 40-50 तोड़े होंगे। हाँ भाई, 5 डजन आम चाहिए, जरा वाजिब भाव बोलो बोलो। अरे क्या साहेब, बराबर भाव तो बोला। अभी होलसेल मार्केट से यहाँ लेके आने पर वो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और ऊपर से हम लोग का भी तो कमाई होना चाहिए ना साहेब। बरोबर है, पर हम लोग भी मार्केट जाते हैं, हम लोगों को भी भाव बरोबर पता है। 1000 रुपए जरा जास्ता से है नहीं? भाई इनका अचार का बिजनेस है। देखिए भाई, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप 800 लगा दीजिए। अरे अंजलि भाभी, जस्ट लुक एट द साइज, कितने छोटे आम है ये। हाँ। 800 तो बहुत लग रहे हैं मुझे, मुझे लगता है 600 बराबर है। करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो भैया 600 लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को आम लेना है तो जल्दी ले लीजिए, वरना गोगी वहाँ पेड़ पे बैठे बैठे ही जवान हो जाएगा। हाँ जल्दी ले लो भाई, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 रुपए बराबर है। हाँ डन। अच्छा ठीक है, 800 दे दो। चलो भाई, ये 4000 रुपए 800 के हिसाब से 5 डजन फटाफट पैक कर दो, चलो जल्दी। भाई रास्ते के लिए एक टेस्ट के लिए ले रहा हूँ। अरे अरे साहब, वो फल जरा बराबर नहीं है, मैं अच्छा वाला देता हूँ, वो चख लो। ये रख दो, ये रख दो। अच्छा वाला दो, अच्छा वाला दो, चलो। हाँ साहब ये लीजिए। अरे भाई रहने दो, रहने दो। ठीक है साहब। बड़े मास्टर, अब आपके जमाने वाली बात नहीं रही, आजकल सब हिसाबी हो गए। पापा अंकल, यही वो जगह है जहाँ से हमने आम तोड़े थे। तो चलिए भवन का नाम लेके हमला बोल देता है। अरे वो हमलावर, शांति रख, गलती हमारे बच्चों की है, शांति से बात करनी पड़ेगी, शांति रख। सही बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब शांति से मिसल गोगी। मिसल? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मिशन गोगी। हमसे कोई टाइम है मिसल के बारे में बात करने की? निकल जाता है मुंह से। आइए आइए इस तरफ, आइए इस तरफ। चलो चलो, चलो। हाँ। भी है, आम तोड़ना मना है, लेकिन ये सुन फायदा ही नहीं। अरे पर आम किधर, भूखा में ना तोड़ सकते, और कोई है भी कहाँ है गोगी भाई, कहाँ है? पापा अंकल, वो देखो गोगी वहाँ पर है। अरे अरे गोगी, गोगी अंकल, अंकल मैं आऊँ, आंटी अंकल। अरे गोगी, आ गए अभी हम, आ गए अभी। रुको 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 रुको, आप अंदर कैसे आए? आपको अंदर आने किसने दिया? अच्छा ये संग्राम सिंह है? ये संग्राम नहीं है तो 10 ग्राम है, इसका तो मैं अकेला ही भरी पड़ूंगा। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा।
और पापा टपो बास नहीं बेटा बीच में नहीं बोलना बास चुप तो यहाँ का दादा है तू हाँ बच्चे पर दादागिरी करता है अगर असली मर्द है तो मुझसे बात कर संग्राम सिंह कौन है वो मर्द जो मुझे चैलेंज कर रहा है तो चूहा समझ के किसी की पूछ खींच ले और वो शेर निकल आए तो क्या हाल होगा उससे कहीं ज्यादा खराब हाल इस वक्त जेठालाल का हुआ है जब वॉचमैन को संग्राम सिंह समझ के चैलेंज तो कर दिया लेकिन असली संग्राम सिंह को देख के बुखार आ गया अब क्या होगा क्या संग्राम सिंह गोगी को छोड़ देगा या जेठालाल को भी गिरफ्त में ले लेगा भाई कैरी खाने का मजा तो ले लिया लेकिन इस वक्त सजा का वक्त आ गया कहते हैं कि एकता में ताकत होती है क्या गोकुलधाम के सभी निवासी एक होकर गोगी को छोड़ा पाएंगे भाई बहुत टेंशन है लेकिन मनोरंजन के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.